नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, यहां पर देख सकते हैं बायर कंपनी का 444 जिसको हमने इफ़ो बाज़ार से ऑर्डर किया था। ये धान देखिए कितना बेहतरीन इसकी बालियां निकली है और मोटी मोटी चौड़ी बालियां हैं। ये करीब 125 से 130 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ये धान। बेहतरीन इसके कल्ले भी निकले हैं। ये जो है देख सकते हैं 20 से 22 कल्ले निकले हैं प्रति पौधे से। और धान अभी जो है स्टार्टिंग में है, ये पॉलिनेशन स्टेज में है। किसान भाइयों, ये वाला जो धान है ये है बायर कंपनी का अराइज 6444 गोल्ड। 6444 गोल्ड भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इस धान का। किसान भाइयों, इस धान की बालियाँ आप देखिए, इसके भी कल्ले बहुत ज़्यादा फूटते हैं और चौड़ी बालियां होती है। 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ ये धान बहुत ही आसानी से उत्पादन दे देती है। तो इस धान का भी हम आने वाले समय में फाइनल रिव्यू देंगे। तो आज हम लोगों ने यहां पर देखा ये 6444 गोल्ड, और इस तरफ आप देख सकते हैं बायर कंपनी का 444 जिसको हमने इफ़ो बाज़ार से ऑर्डर किया था। मैं तो आश्चर्यचकित हो जा रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा हाइट है धान की और इतनी बेहतरीन इसकी बालियां हैं। देखिए, देखने में ही लग रहा है कि कितनी सारी इसमें धान होने वाली है, जबकि कंपनी का कहना है 300 से 350 धान प्रति बाली में निकलेगी, पूरी तरह से ठोस धान। और यहां पर देखने से लग भी रहा है कि उतना ज़रूर हो जाएगा। और हम लोगों ने धान के फसल में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं रखी है और कोई भी फंगस और कीट इस पर अटैक नहीं कर पाया है। हमने सारा चीज़ अच्छे से मेंटेन किया है, इसकी वजह से ही हमारा धान देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन है। ये करीबन लग रहा है कि 4 फीट से भी ऊंचाई ज़्यादा है। किसान भाइयों, कौन से कीटनाशक और कौन से उर्वरक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसका सारा जानकारी मैंने चैनल पर अपलोड कर चुका है, और उस वीडियोज़ के लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और धान की खेती वाले प्लेलिस्ट पर जाकर भी धान की खेती से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग इस धान 444 का खेती अगले साल कर सकें। और इसको हम लोगों ने डायरेक्ट खेतों में बुआई भी करी है, तो भी काफ़ी अच्छा इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये धान जो है रोपाई किया हुआ है किसान भाइयों, हम लोगों ने इसकी रोपाई जो है 7 जुलाई को कंप्लीट करी थी, और आज जो है 22 सितंबर है। और इतने दिन हो गए हैं हमारे धान के, और ये कुछ ज़्यादा दिनों का ही धान है, तो थोड़े देरी से यह बालियां इसकी निकल रही है। मैं इसका जो खेतों में इसकी सीधे हम लोगों ने बुआई कर दी थी अंकुरण करके, उसका मैं आपको वीडियो जाके दिखाता हूँ। किसान भाइयों, इस धान का कटाई करने के बाद जब तो पूरे धान पक के तैयार हो जाएंगे, तो मैं एक फाइनल वीडियो भी लाऊंगा कि प्रति एकड़ में कितना इसका उत्पादन आ रहा है और प्रति किलो बीज में कितना कुंटल धान इसका होगा, तो ये फाइनल अपडेट भी आएगा। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें किसान भाइयों, हम अपने अनुभव पर आधारित वीडियोस ही अपलोड करते हैं ताकि किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और सही जानकारी हम लोग पहुँचा सकें, और इससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उनका समय ऊर्जा और पैसे की बचत हो, और किसी भी तरह का उनको भ्रम ना रहे कि कौन से धानों का चयन करना चाहिए। और इन खेतों में हम लोगों ने 7 किस्मों के धानों की रोपाई करी हुई है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और सभी धानों का हम फाइनल रिव्यू देंगे कि कौन सा धान सबसे ज़्यादा उत्पादन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 किस्म अभी पकने की अवस्था में है, ये श्रीकार धान है 369, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 110 दिनों में ही यह पक के तैयार हो जाता है, जबकि ये वाली धान को पकने में करीबन 125-30 दिन तक लग जाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ पर हाइब्रिड धानों के सीधे खेतों में बुआई करने से देखिए एक समस्या हम लोग को देखने को आ रही है कि जैसे ही धान की बालियाँ भर रही हैं तो हवा चलने की वजह से धान पूरी तरह से ज़मीन पर लेट जा रही हैं। धान तो उतना ही अच्छा हुआ है जितना रोपाई करने से हुआ था, लेकिन ये जो मिट्टी में लेट जा रही हैं इसकी वजह से धान का नुकसान होगा। मैं नज़दीक जा कर के आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इससे धान पक नहीं पाएंगे, तो यह एक कमज़ोरी होगी अगर हम हाइब्रिड धानों को सीधे खेतों में बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान कभी इस तरह से पूरे लेट जाएं, तो जितना भी पानी है खेत में, धान के खेत में, उसको तुरंत ही खाली कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटी हुई धान है वो सड़े ना और वह पक सके।
और लेटी हुई धान में पानी रहेगा तो वो सड़ने की समस्या बढ़ जाएगी। चलिए नज़दीक जाके देखते हैं क्या स्थिति है धान के पौधों की। यहाँ पर देख रहे हैं किसान भाइयों, उतनी ही अच्छी बालियाँ इसमें आई है जितना हम लोगों ने रोपाई किया था उस धान में आया है। ये RH सुपर 444 धान है बायर कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए धान पूरी तरह से लेट चुकी है क्योंकि ये बालियाँ भर रही हैं, इसमें वजन बढ़ रहा है और जड़ों के पास इसकी मजबूती नहीं होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इसकी सीधे खेतों में बुआई कर दी है, तो ये पूरा धान आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लेट चुकी है। तो मेरा सजेशन होगा किसान भाइयों, आप लोग हाइब्रिड धानों को सीधे बुआई ना करें, क्योंकि इससे जो है उसके जड़ों को मजबूती नहीं मिल पाती है। यहाँ पर देखिए इसके जड़ जो हैं ये उथले हुए हैं और ज़्यादा मजबूती इनको नहीं मिल पाई है और इनका हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये समस्या आप लोगों की हो जाएगी जिससे धान पकना मुश्किल होगा। देख सकते हैं ये वाला धान जो है ये नीचे पानी भी है, तो फिर ये जो है पक नहीं पाएंगे। इसके रोपाई ही करिएगा जिससे कि उनके जड़ों को मजबूती मिलता है और धान अच्छे से ठोस हो पाती है, गिरते नहीं हैं। तो और भी एक दो किस्मों में यही हालत है, तो जो भी अच्छी धान होगी उसको अगर आप खेतों में सीधे बुआई करेंगे तो वह धान जो है गिरने की संभावना उसकी होगी वजन की वजह से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान भाइयों, और इन वीडियोस को देश के सभी किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।